अरे वाह, रुई बुआ ने क्या दिया आपको? नब्बू को क्या दिया ये? लोटो चोको पाई। खाएगी नब्बू? खाएगी? नब्बू ने खोला और ये वाह, इसके साथ तो बहुत वही निकाल लिया। हाँ। ऐसे खाओगे? बोलो पापा खोल दो इसको। हेलो, खोलूं? चलिए जी, हम तो रेडी हो गए ऑफिस जाने के लिए। नब्बू ने भी शूज अपने वो पहन लिए, अपने क्रॉक्स उल्टे पहने। लेकिन नब्बू अभी चल रहे हो? चल रहे हो तरीके रेडी है बिल्कुल जाने के लिए नब्बू? तो चलो चलो, बाय करो पापा को, बाय। चलिए दोस्तों, फाइनली घर से निकल चुके हैं एंड आज की राइड ये स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। अरे वाह, छोटा सा ट्रैक्टर। आज है शनिवार का दिन और अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई है। लगभग पूरा एक हफ्ते से ऊपर का टाइम हो गया, ठीक से बिल्कुल नहीं हुई है तबीयत। सर फट रहा है अभी, पता नहीं कैसा बुखार है। कभी सर पे अटैक कर रहा है, कभी पैरों पे कर रहा है, कभी कहाँ कर रहा है, कभी कहाँ कर रहा है। चलिए फाइनली नव्या और दिव्या आ गए हैं, अब अच्छा लग रहा है। और नव्या भी धीरे धीरे सेटल हो ही रही है, कल थोड़ा सा चुप चुप थी, आज खेलने लगी है। लेकिन अभी सबके पास नहीं जा रही एकदम से, दादा के पास तो बिल्कुल नहीं गई, रोने लग गई थी। चले जाएगी, एक दो दिन में पता लग जाएगा उसको सारा, फिर नॉर्मलाइज हो जाएगी। ट्रेन वगैरह का सिस्टम सही है, अच्छे से पहुँच गए थे दिव्य लोग यहाँ पर। लेकिन जब हम ऑटो करना पड़ा ना हमको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से घर के लिए, वहाँ पर बड़ा बवाल है यार, इतना लूटते हैं लोग। 600-500 ऐसे रुपए मांग रहे थे। और जब मैं बुकिंग करने जा रहा उसकी ऊबर की, तो कह रहे ऊबर में स्ट्राइक लग गई है, हो गया वो हो गया, नहीं होगी कर लो अलाना फलाना। भाई साहब, मतलब इतना लूटने को तैयार रहते हैं ना, पता नहीं छाती पर धर के ले आएंगे क्या ऊपर। मतलब इंसानियत की, ईमानदारी की कोई जगह ही नहीं रह गई अब। फिर फाइनली हम स्टेशन से बाहर आए, फिर हमने ऊबर से ही ऑटो बुक किया और फाइनली हम लोग घर पे पहुंच गए 296 रुपये में। 300 रुपये के अंदर अंदर हम घर पहुंच गए। कहाँ 300 रुपये, कहाँ 600 रुपये, शर्म भी नहीं आती। सभी लोगों ने पैसे को इतना बड़ा बना दिया ना कि बस पैसा 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 पैसा। जब ऊपर जाएंगे ना साले, कुछ नहीं ले आना हाथ में, ये भी पता है उनको। लेकिन फिर भी अब क्या, 300 रुपये जिसने लिए हमसे उसने कमाया नहीं होगा क्या? क्यों नहीं कमाया होगा यार, मात्र 20 किलोमीटर का एरिया है। हद मार के उसकी 100 रुपये की CNG लग गई होगी, 200 रुपये तो उसने फिर भी कमाई दिए होंगे। 200 तो चलो, 150 तो कमाई दिए होंगे उसने फिर भी। लेकिन सबको पेट फाड़ना है एक ही बार में मुर्गी का, और सारे सोने के अंडे निकालने हैं अंदर से, उस चक्कर में मिलता ही नहीं है उनको वहाँ। इन जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। भैया आप लोग भी सावधान रहा करो, जो लोग नए आते हैं दिल्ली जैसे शहरों में या ऐसे कपटी शहरों में, तो आजकल तो ऑनलाइन है सारी चीज़ें, ओला उबर बुक किया करो, उसमें आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। या पहले चेक कर लो कि हाँ भाई इसमें इतना लग रहा है, अगर तू दे रहा है इतना या इतने में चल रहा है तो बता, हम चल लेंगे। कल भाई साहब यहीं पर क्या ताबड़तोड़ बारिश हो रही थी, और आज देखो सूखा पड़ा हुआ है। मौसम के बिना कुछ नहीं कह सकते आप, कब क्या कब क्या। आज पंजाबी बाग पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गए, 10:02 हो रहे हैं, तो होपफुली आज पहुंच जाए हम टाइम से ऑफिस। वैसे आज 4th सैटरडे, कई लोगों की तो छुट्टी भी होगी। चलिए जी, थैंकफुली पहुंच गए हैं टाइम से। अरे भाई आगे पीछे ले यार। दस बारह हो गए, चलो ठीक है, टाइम से ही है बिल्कुल। हम लोग करते हैं अपनी दिहाड़ी पूरी, ठीक है, और आपसे मिलते हैं शाम को। तब तक आप एंजॉय कीजिए अपना दिन। चलिए भैया, आज थोड़ा सा जल्दी निकल रहे हैं, तबीयत थोड़ा ख़राब थी तो मैंने सोचा निकलते हैं यार, आज 5 बजे के आसपास निकल रहे हैं, आपसे घर ही मिलते हैं डायरेक्ट। और यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया मेरे बाइक का, इसको ठीक करके देखूँ। ऑफिस से घर पहुंच गया था और अभी छत पे आ रखा हूँ,
दिव्या और सो रहे हैं इस वजह से, मैंने कहा उनको परेशान नहीं करते। देखो बारिश के बाद कितना मस्त हो जाता है, सारे पौधे हरे भरे से लग रहे हैं, और ये वाला तो मेरे को बड़ा मस्त लग रहा है, पता नहीं किस चीज़ का पौधा है। चलिए जी 7 बज गए हैं और नब्बो ना जस्ट अभी सो के उठी है, देखो उसकी शक्ल कैसे हो रही है। अरे क्या हुआ कैसे देख रही है टुकड़ टुकड़। चलो जाओ घूम के आओ थोड़ा बाहर है। तो अब नव्या घूम के आ गई है नानी के यहाँ से, आयुष और क्या से है ना, अभी इसका ध्यान यहाँ पे है कार्टून में, मैडम कार्टून देख रहे हैं अभी, कार्टून देख रहे हैं आपको, जाओ इधर देखो जाओ। हेलो ये नब्बू ने दौड़ लगाई। A few moments later. तो चलिए दोस्तों डिनर कर लिया है, अब बस सोने की तैयारी कर रहे हैं और नव्या चाय पी रही है। चाय इसके अंदर ना चाय पी रही है, बोलिए चाय कैसे बोलना, चाय बोल दो, अभी नहीं बोलेगी। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी बोलेगी नहीं, कैमरा शाई हो गई है बहुत ज्यादा। हम आज की वीडियो को यहीं करते हैं क्लोज, आपसे कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, नमो बाय कर दो, बाय बाय। ये मम्मा को चाय पिला रही है, बाय।